रामपुर नामक गांव में बबलू नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। कई दिनों से उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। रामपुर नामक गांव में बबलू नामक एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं था। वीडियो आ गए, बस अब से अपनी जिंदगी में समस्या सारी मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि भाई इस वीडियो में काम ही इतना डिटेलली किया गया है कि आपको हर चीज समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। वो तो फिर कोई सेंसेस बात। वैसे मैंने तो अपना पूरा देने का प्रयास किया है इसमें। ओ भाई क्या बोल रहा है, नॉलेज नॉलेज। तो अभी ये बात कर लेते हैं इस वीडियो में होने क्या वाला, आई मीन बताने के वाले हैं। तो हम क्रिएट करने वाले हैं, पहला तो है अपना जीमेल आईडी। तो जीमेल आईडी भी आपको देखनी है कैसे क्रिएट करनी है, वो भी कंपलसरी होती है। कार्टून्स चैनल की अलग होती है चिल्ड्रंस के लिए, और बाकी जो है अलग होती है। दूसरा है ऑब्वियसली चैनल, यूट्यूब चैनल, और तीसरा आपका लोगो एंड बैनर। दोनों चीज आपको बताने वाला हूँ, और ऐसे वैसे नहीं, कोई भी आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे उस तरीके के लोगो एंड बैनर बनाने वाले हैं। और चौथा है अपने चैनल को ब्राउज फीचर में कैसे लाना है, यानी कि हम सर्च करते हैं अपना चैनल का नाम डाल करके तो उसे सर्चिंग में कैसे लाना है, जो कि कोई एक बार सर्च करे तो आ जाए हमारा चैनल। और पांचवा, आपको अपनी वीडियो कहाँ से डाउनलोड करनी, कॉपीराइट फ्री। वैसे कॉपीराइट फ्री तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है इस पे, लेकिन हम जो है इसको बना देंगे कॉपीराइट फ्री। और कैसे बनाना है वो तो वीडियो में आपको बीच में पता चल जाएगा। और छठवें स्टेप में आपकी वीडियो डाउनलोड होने के बाद में एडिटिंग और वॉइस ओवर के बारे में बताया जाएगा। और सातवां, जब आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे एडिटिंग करने के बाद में, वॉइस ओवर करने के बाद में, तो आप उसमें अपलोडिंग में टैग, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कैसे लगाने हैं आपको, और थंबनेल कैसे बनाना है, जो भी आपने वीडियो लिए उसी के जैसा सिमिलर थंबनेल कैसे बनाना है, तो वो भी इसमें बताने वाला हूँ। तो हमारा पहला स्टेप है जीमेल आईडी क्रिएट करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना गूगल में, फिर अपनी आईडी पे टैप करके इस पे क्लिक करना, और फिर ऐड अनदर अकाउंट इस पे क्लिक कर देना, होम स्क्रीन पासवर्ड डाल देना, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना। अब देखिए यहाँ पर जो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं बनानी आपको। यहाँ पर जो आपको फॉर माई सेल्फ करना है, क्योंकि टू मैनेज माई बिजनेस जो है प्राइवेट रहता है, और इससे बनी हुई जीमेल आईडी को यूट्यूब जो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाता है, इंप्रेशन नहीं भेजता है, तो इसीलिए आपको फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपके चैनल का जो भी नाम है, आप जो भी रखना चाहते हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और फिर नेक्स्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ जो आपको 18 प्लस नहीं रखनी और 13 से कम नहीं रखनी है, आप उसके बीच में रख सकते हो, मेल फीमेल आपको अपने हिसाब से रख लेना। फिर नेक्स्ट करना है। इन दोनों जीमेल आईडी में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे, फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल देना है। मोर ऑप्शन है, अगर आप अपने फ़ोन का नंबर लगाना चाहते हो तो ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली, यहाँ से आप लगा सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ से स्किप कर देना है, या फिर यस आई एम इन पे भी क्लिक कर सकते हो, और आपका अकाउंट जो है यहाँ पर आ चुका है बन करके, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर मोर ऑप्शन में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, जैसा है एज इट इज़ वैसे ही रहने देना है, आई एग्री भी क्लिक कर देना है फिर, और आपका अकाउंट जो है बन करके रेडी हो चुका है। और दूसरा स्टेप हमारा ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, तो उसके लिए आपको अपनी आईडी पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जो भी जीमेल आईडी बनाई है वो जीमेल आईडी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट करने के बाद में आपको फिर जाना है योर चैनल में, और सिंपली क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है। और ये जो तीन ऑप्शन है ये तो आप बाद में भी कर सकते हो, और चैनल जो हमारा बन चुका है आप देख सकते हो योर चैनल में जा करके। और अब चलिए इसमें थोड़े बहुत डेकोरेशन कर लेते हैं, डेकोरेशन मीन्स लोगो एंड बैनर लगाना, तो पहले वो बना लेते हैं, फिर इसमें जो हम लगाएंगे। तो लोगो बनाने के लिए आपको सिंपली चले जाना है पिक्सार्ट ऐप में, और यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करके एडिट ए फोटो पे क्लिक करके आपको बैकग्राउंड में जाकर के वो जो भी बैकग्राउंड कलर रखना है उसको चूज कर लेना है। और उसके बाद में टूल्स में जाकर के शेप क्रॉप में जाकर के और दोबारा शेप क्रॉप पे आपको क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना, और इसे जो आपको खींच करके फुल स्क्रीन पे कर लेना है, और डन कर देना है फिर। और हमारे लोगो का सर्कल बैकग्राउंड जो है तैयार हो चुका है। और स्टिकर में जाकर के मैं अपने लोगों के लिए कुछ कार्टून स्टिकर्स लेने वाला हूँ, और जब मैंने कार्टून सर्च किया तब मुझे जो स्टिकर चाहिए थे वो यहाँ पर मुझे नहीं मिले, तो आपको भी ये चीज़ देख लेनी जो आप सर्च करोगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए सर्च करने पर, आपको डिफरेंट चीज़ सर्च करके देख लेनी है। तो जब मैंने चिल्ड्रन सर्च किया तो मुझे जो है स्टिकर अच्छे से मिल गए, तो ये वाले स्टिकर जो मैं अपने लोगों पर लगाने वाला हूँ तो इसको पहले सेट कर लूँगा, और सेट करने के बाद में यहाँ पर चले जाऊँ टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आपका जो भी चैनल का नाम है उसे दे देना है, और फिर स्टाइल में जाकर के आप इसका फ्रंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। स्टाइल में मैं जो है यहाँ पर सीएनसी रखने वाला हूँ, आपको अपने हिसाब से रख लेनी है। ब्लेंड में जाकर के स्क्रीन कर दूंगा, जिससे ये जो बॉर्डर है मेरे टेक्स्ट का वो जो गायब हो जाएगा, कि कार्टून जो है लिखना बाकी रह गया है, और फिर मैं जो इसे एडजस्ट करने के बाद में इसे डन कर दूंगा, और हमारा लोगो जो है फाइनली बन चुका है, तो इसे मैं जो है सेव कर दूंगा।
व्हाइट कलर की पट्टी अपनी पिक्स आर्ट में ले लेनी है, और इसके बाद स्टिकर में जाकर के आपको जो भी बैकग्राउंड के लिए स्टिकर अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉरेस्ट सर्च किया है, तो यहाँ पर मैं जंगल का बैकग्राउंड जो लूंगा। फॉरेस्ट सेट करने के बाद में सिंपली मैं चले जाऊंगा ब्लेंड में, और ब्लेंडिंग में मल्टीप्लाई पे कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फालतू हिस्सा था वो हट चुका है, और दोबारा जाऊंगा स्टिकर में और यहाँ पर सर्च करूंगा क्लाउड, जो कि मुझे फॉरेस्ट के ऊपर लगाना है। तो क्लाउड मुझे जो है ये वाला क्लाउड अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं सेट कर लूँगा। और इसके बाद हम फिर दोबारा ब्लेंडिंग में जा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई पे कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोनों चीज़ हमारी मर्ज हो चुकी है, फॉरेस्ट और क्लाउड। इसे डन कर दूंगा फिर मैं, और डन करने के बाद मैं चले जाऊंगा इफेक्ट में, और इसके बाद में यहाँ पर मैं जो है एफएक्स में जाकर के शार्पनेस इसकी बढ़ा दूंगा। तो बैकग्राउंड में इतने रखने वाला हूँ, और इसके बाद मैं अपने चैनल का जो भी नाम है उसे यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर के टाइप कर दूंगा। जैसे कि मेरा नाम राज की कार्टून, तो मैं जो है राज की कार्टून यहाँ पर मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैं फ्रंट में और ग्रेडियंट में जाकर के इसके जो दो कलर आपको भी चूज कर लेनी है जो भी अच्छे लगे। एक जैसे कलर होने की वजह से आप देख पा रहे हो ये जो है मिल गए हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रंट में जाकर के पहले इसका स्टाइल चेंज कर लूँगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला, ठीक है। और इसके बाद मैं जाऊँगा शेडो में, शेडो जो है हमारे टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देता है विजिबल होने के लिए। तो मैंने यहाँ पर शेडो भी कर दिए, और ग्रेडियंट यहाँ पर मैं कुछ और देख लेता हूँ, ये ठीक है। ग्रेडियंट कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा आपको स्ट्रोक दे देना है, मैंने यहाँ पर वाइट दे दिया, आपको अपने हिसाब से दे देना है जो भी आपको अच्छा लगे। मैं जो इसे थोड़ा सा 3D बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको कॉपी कर लेना है इसी को, और थोड़ा सा इसके साइड में कर देना है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब जो ये 3D टाइप का लग रहा है, तो आपको भी स्टेप्स कर लेना है, इससे जो काफ़ी अच्छा लगने लगता है हमारा टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट जो बन चुका है, लेकिन इसमें थोड़े से और इंस्ट्रूमेंट डालने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर फिर मैं जो स्टिकर में आऊँगा, और यहाँ पर जो मैं सब्सक्राइब का आइकन जो है चूज़ कर लूँगा, आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे। ये वाला सब्सक्राइब आइकन ले लिया है, और इसके बाद मैं पहले एडजस्ट कर लूँगा, और फिर इरेज ऑप्शन में जा करके ये जो यूट्यूब का एंगल है इसे इरेज कर दूँगा। और इसके बाद मैं फिर जाऊँगा ब्लेंड में, और ब्लेंड में चले जाऊँगा मैं डार्कन, और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दूंगा, जिससे जो हमारा ये विजिबल भी हो और ज़्यादा इस पर अट्रैक्शन भी ना जाए। ये जो बटरफ्लाई है ये मैं पहले वीडियो में लगा चुका हूँ, लेकिन वीडियो जो मेरी कट हो गई थी इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया। और कई चीज़ें जो है मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट की थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसे रखा नहीं। हमारा बैनर जो बन चुका है, सेव ड्राफ्ट कर देना है। लोगो और बैनर दोनों बनते हुए अब चलिए उन्हें लगा लेते हैं। तो पहले आपको अपने चैनल में आ जाना है, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, लोगो लगाना तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपनी लोगो को सिलेक्ट कर लेना है, सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है। लोगो हमारा लग चुका है, अब लगा लेते हैं अपना बैनर। तो इस पे क्लिक करना है, चूज फ्रॉम योर फोटोज, इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपका जो भी बैनर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और आपको इस तरीके से ये जो है पीछे की साइड कर देना है, जिससे ये जो है सेट हो जाए, और फिर सेव कर देना है। तो फाइनली हमारे लोगो और बैनर जो है दोनों लग चुके हैं। होम पेज पे कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अपना चैनल सर्चिंग में लाने के लिए आपको चले जाना गूगल में, और यहाँ पर आपको सर्च करना है ytstudio.com, और इतना सर्च करने के बाद में आपको इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट पे चले जाना है। और जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे आपको चेक कर लेना है यहाँ से कि आपकी आईडी जो है लॉगिन है यहाँ पर या नहीं। लॉगिन नहीं है तो आपको स्विच अकाउंट में अगर आपको लॉगिन कर लेना है, और यहाँ से आपको जाना नीचे की साइड, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये सेटिंग का आइकन है, इस पर टैप कर देना है आपको, और यहाँ पर आपको चले जाना है चैनल में, और आपको दो ऑप्शन बस दिखेंगे यहाँ पर, पहला है कंट्री और दूसरा कीवर्ड। एंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और कीवर्ड आपको कुछ इस तरीके से रखनी है कि पहला तो आपको अपना चैनल का नाम डालना है, नाम डालने के बाद में आपको चेक करना है कि आपके चैनल की जो कितने टुकड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर रखी है राज के, फिर मैंने किया कि कार्टून, फिर किया मैंने हिंदी में राज के कार्टून लिख दिया, तो इस तरीके से आपको भी लिख लेनी है। और लास्ट में आपको एक कीवर्ड में अपनी तरफ से बताऊंगा, जो कि आप जिस भी कैटेगरी के रिलेटेड वीडियो डालते हो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि मैं जो चिल्ड्रंस के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चिल्ड्रंस वीडियोस, और फिर उसके बाद में आपको कर देना है सेव। तो इस वाले स्टेप में हम आपको बताने वाले हैं आपको अपनी वीडियो कैसे सेव करनी है और कहाँ से करनी है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस स्टेप में मैं जो आपको सब कुछ क्लियरली नहीं बताने वाला हूँ, जैसे कि बाकी में बताया था, क्योंकि इसमें जो है कॉपीराइट का इशू रहेगा या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। तो इस वजह से मैं जो है आपको सब कुछ क्लियर नहीं बताऊंगा, तो जैसे बताऊंगा वैसे आपको कर जाना है। तो पहले इसमें जाना है, फिर यहाँ पर सर्च करना है, आपको जिस भी कार्टून चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो उसको सर्च कर देना है। अगर आपको कार्टून चैनल के नेम नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोस्ट पॉपुलर कार्टून चैनल के नेम दे रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल सर्च करूँगा, मैंने ये सर्च कर दिया है, तो इस पर क्लिक करना है,
वीडियो की क्लियरिटी आप जितनी भी रखना चाहो उतना रख सकते हो। मैं जो फिलहाल इतनी रहने दूंगा और फिर इस पर क्लिक कर दूंगा और हमारी वीडियो जो यहाँ पर खोने लगी है। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो एक दूसरा स्टेप और है जो कि मैंने वीडियो में बताया था, स्क्रीन रिकॉर्ड। स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी आप कर सकते हो। तो जब तक ये डाउनलोड हो रही है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना है यूट्यूब में, और यहाँ पर भी मैं आपको प्रॉपरली नहीं बताने वाला हूँ, आपको समझते जाना है। और जो आपने वहाँ पर की थी वही आपको यहाँ पर भी करनी है। वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और जब तक ये एड चल रहा है उसको स्किप करने के बाद में शुरू से अपनी वीडियो को चलाना है। यहाँ पर आप इस तरीके का देख पा रहे होगा ऑप्शन, अपने माइक को बंद करके अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड जो है चालू रखनी है। इसे मैंने इस टाइप का कर लिया है और जितनी भी आप इसकी क्वालिटी रखना चाहो जैसे आप रख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट कर देना है। रामपुर नामक गाँव में बबलू नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। 5 साल का बेटा मोलू। तो इस तरीके से आपको अपनी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक स्क्रीन रिकॉर्ड पर चला लेनी है। और बात रही कि बीच में ऐड आ जाते हैं उसे आप वीडियो एडिटिंग के दौरान काट सकते हो। वीडियो हमारी डाउनलोड हो चुकी है, चलते हैं एडिटिंग की तरफ। तो एडिटिंग के लिए यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट यूज़ किया है। वीडियो लेने से पहले आपको जाना है इस वाले ऐप में MP3 वीडियो कन्वर्टर सेलेक्ट के आइकन पर दबाकर अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी AAC इस पर टैप करके MP3 कर लेना है, कन्वर्ट कर देना है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप बस वीडियो देखो जो भी हो रहा है सब अच्छा होगा और आपकी वीडियो एक प्रोफेशनल वीडियो लगेगी। हमारी वीडियो जो ऑडियो कन्वर्ट हो चुकी है इसे काट देना है। अब फिर आपको जाना है इस अनमिक्स ऐप में, इस आइकन पे क्लिक करना और इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी ऑडियो को ले लेना जो भी आपकी ऑडियो है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको पहला वाला सिलेक्ट करना है और गेट फॉर फ्री पे कर देना है क्लिक, यस करना है, अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपको शुरू में चले जाना है और 3 मिनट तक इसको रोक देना है क्योंकि इसमें फ्री वाली लिमिट जो है 3 मिनट तक है। और इसके बाद में आपको कर देना है ट्रिम एंड अपलोड। ये जो कुछ समय लेता है आपको इसे होने देना है और बार बार रिफ्रेश करके चेक करते रहना है। आपको हमारी फाइल जो हो चुकी है अपलोड, अब आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहो तो आप उस आवाज़ को डाउनलोड कर सकते हो जो कि वीडियो में बोली जा रही है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो यहाँ पर हम जो है इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड करने वाले हैं और सेव ट्रैक टू फोन पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। और यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जो भी है, और यहाँ से आपकी वीडियो में जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं यानी कि जहाँ से भी आपकी वीडियो स्टार्ट होती है वहाँ तक आपको रखना है और उसके पहले का या उसके बाद का आपको कट कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और जैसे ही मेरी वीडियो जो है देखते हैं यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो इस पर तो यहाँ से मैं जो इसे सिलेक्ट कर दूंगा और इस पर टैप करके इसे डिलीट कर दूंगा। पहले मैं इसका कैनवास सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब वाला, इसको 50 कर दूंगा और ये यूट्यूब वाला एंगल आ गया हमारा। तो पहले हम इसका लोगो ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको स्टिकर पे आना है और डिटेल्स पे जा करके यहाँ पर आपको सर्कल वाले आइकन पे क्लिक करके रन कर देना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करके वीडियो एंड इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो लेयर है हमारी पूरी वीडियो पर लग जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको आपको इस लोगो पे लगा देना है और सेम चीज़ आपको बीच में भी देख लेनी है कि कहीं इसने अपनी वीडियो में नाम तो नहीं दे रखा है कहीं। जैसे यहाँ पर है ड्रीम टोन, ये आप देख पा रहे होंगे, तो इस पर भी मैं ब्लर लगा दूंगा। ये भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इस पर वॉइस ओवर करने की, तो आपको वॉइस ओवर में एक चीज़ ध्यान में रखनी है बस कि आपकी वॉइस जो है जो वीडियो में बोला जा रहा है उससे मैच करनी चाहिए, सिंपल। तो पहले मैं अपनी वीडियो पर वॉइस ओवर कर लेता हूँ। जो भी ऐप यूज़ करते हो उसमें आपको देख लेना है कहाँ ऑप्शन है, मेरे में यहाँ पर है और वॉइस ओवर तो मैंने कर ली है, लेकिन जो ये वॉइस आगे पीछे हो रही है मेरी उसे सेट कर लेता हूँ पहले मैं। तो आपको भी देखते जाना है कि कैसे करता हूँ। रामपुर नामक गाँव में बबलू नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। कई दिनों से उसके रहा करता था। कई दिनों से उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं था। एक दिन वह खेत से घर आता है तो देखता है उसका 5 साल का बेटा घर आता है तो देखता है उसका 5 साल का बेटा गोलू बुखार से तप रहा है और उसकी पत्नी तप रहा है और उसकी पत्नी रहा है और उसकी पत्नी मालती उस मालती उसके पास मालती
उसके पास बैठी इतनी मालती उसके पास बैठी रो रही होती है। तो जैसा कि आपने सुना था, हमारी वॉइस ओवर जो है दोनों की मैच खा रही है। तो यहाँ पर मैं इसे डन कर दूंगा पहले, और इसको जो है स्प्लिट कर दूंगा इतने भाग को, इस वाले को, ये जो 26 सेकंड का है, और म्यूट कर दूंगा इसको टोटली जीरो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस वीडियो की ऑडियो फाइल क्यों बनाई थी। तो उसका रीज़न ये है कि जब मैं इसको म्यूट कर दूंगा, वो जो वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है वो भी म्यूट हो जाएगा। उसके लिए जो मैंने पहले ऑडियो फाइल निकाली, फिर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक निकाला। तो अब जो मैं अपने उस बैकग्राउंड म्यूजिक को उस वीडियो में लगा पाऊंगा, और लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लगती है हमारी वॉइस ओवर की वीडियो। और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि वॉइस ओवर में रखनी है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैच करना चाहिए हमारी वीडियो से। तो यहाँ से हमारा बैकग्राउंड और वॉइस जो है मैच कर रही है। तो अब मैं आपको अपनी वॉइस ओवर सुनाता हूँ। रामपुर नामक गांव में बबलू नामक एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं था। एक दिन वह खेत से घर आता है तो देखता है उसका 5 साल का बेटा गोलू बुखार से तप रहा है, और उसकी पत्नी मालती उसके पास बैठी रो रही होती है। अरे ये। और इतना जो फालतू का ये बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको मैं स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगा, या फिर ये जो आपने डिलीट किया है इसको आप वीडियो में जो वॉइस ओवर करोगे उसमें भी यूज कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। और यही सेम चीज जो मैं अपनी इस वीडियो में बीच में भी करने वाला हूँ, पहला स्टार्टिंग में, फिर बीच में, फिर लास्ट में, और फिर आपकी वीडियो जो है रेडी हो जाएगी। तो जब आप वीडियो सेव करो उससे पहले आपको ये वॉटर मार्क हटा देना है। अगर आप अपने चैनल का नेम देना चाहो इसमें, तो यहाँ से आप टेक्स्ट में जा करके नेम भी दे सकते हो। आपको इसका ओपेसिटी कम कर देना है क्योंकि ये जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं फिलहाल इसको 30 की समथिंग रखूँगा, 30 के। अगर आप अपना लोगो देना चाहो तो यहाँ पर आप PIP पर जा करके फोटो को सिलेक्ट करके लोगो भी दे सकते हो। अब फाइनली हमारी वीडियो जो है सेव करने के लिए रेडी हो गई है। आपको पहले अपनी क्लियरिटी सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको 24 फ्रेम रेट पर सेकंड पर सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो भी वीडियो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको टाइटल जो है, जैसा भी वीडियो में टाइटल है वैसा आपको सिमिलर टाइटल नहीं देना है, आपको वीडियो से थोड़ा अलग देना है जो कि आपकी वीडियो थोड़ी सी अलग लगेगी। जैसे मेरे यहाँ पर था लालची पानीपुरी वाला, तो मैंने कर दिया चालू पानीपुरी वाला। और उसके बाद में @ दे करके जो भी चैनल का नाम है जहाँ से आपने वीडियो उठाई है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहो यहाँ से आप दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया नमस्ते। कमेंट जो आपके सभी बंद होंगे आपको सभी को अलाउ कर देना है, फिर आपको अपलोड पे कर देना है, यानी कि नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किट कर देना है, और अपलोड कर देना अपनी वीडियो को। और वीडियो हमारी यहाँ पर अपलोड होने लगी है, तो जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक हमारा जो वीडियो का थंबनेल है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको सिंपली वीडियो में आ जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक कर देना है, और कॉपी लिंक कर लेना है यहाँ से। और इसके बाद में आपको सीधे चले जाना है वाई टूल ऐप में, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, थंबनेल डाउनलोडर इस पर क्लिक कर देना है, और जो भी हमारी वीडियो की लिंक थी उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, और फिर डाउनलोड पर क्लिक करके अपने थंबनेल को डाउनलोड कर लेना है हाई क्वालिटी में। और ये है वो थंबनेल जो कि डाउनलोड किया था। अपना खुद का थंबनेल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आ जाना है पिक्सआर्ट में, और यहाँ पर आपको टूल्स में जा करके ये रिप्लेस में चले जाना है। जो भी आप यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है ये जो पीछे बैकग्राउंड में विलेज है यानी कि गाँव, मैं इसको चेंज करूँगा, तो आपको भी देख लेनी है आपके थंबनेल के हिसाब से कि कौन सी चीज़ जो है रिप्लेस करने की लायक है। रिप्लेस पे क्लिक कर दे, और सिलेक्टेड एरिया के बदले आप जो भी लगाना चाहो यहाँ पर आपको वो सर्च कर देना है। जैसे मैंने कर दिया सिटी, तो यहाँ पर मैं जो बैकग्राउंड में विलेज के बदले सिटी रखूंगा। तो जैसे ही मैंने इतना सर्च किया यहाँ पर आप देख सकते हो जो मुझे चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आए, कुछ और ही दे दिया इसने, जो आप देख पा रहे होगे मुझे ये नहीं चाहिए थे। इसने ही जो मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था, पूरी वीडियो में मेरी इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी कि इसने लगा ली। अब आप सोचने लगोगे कि जब आपका नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन इसमें जो थंबनेल में दिक्कत थी तो इसलिए ये मैं नहीं कर पाया। और यहाँ पर आपको जो भी थंबनेल अच्छे लगते हैं वो आपको डाउनलोड कर लेने, जैसे मैंने यहाँ पर जो है ये कुछ डाउनलोड कर लिया, और इसके बाद में ये जो फालतू आइटम मैं हटा दूंगा तो इसके लिए यहाँ पर दोबारा करूँगा, और टेबल पर जाकर मैं इसके लिए टेबल लगा दूंगा। और जैसे कि मैंने और सर्च किया तो इसके भी वेरिएशन निकल आए हैं। इससे मैंने बनाया तो वैसे ये वाले थंबनेल है, लेकिन मैं रखूँगा ये वाला। अब हमारा फाइनल स्टेप है वीडियो को पब्लिक करना, तो इसके लिए आपको वाइट स्टूडियो में आ जाना है, वीडियो पर टैप करना है, फिर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है,
तो मेरा जो थंबनेल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मैंने जो ये वाला थंबनेल बनाया था अपनी वीडियो के लिए, और इसके बाद आपको चले जाना है मोर ऑप्शन में टैग्स का। आप यहाँ से रेफरेंस देख सकते हो, जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पर लालची पानीपुरी वाला और फिर गोलगप्पे, चतुर पानीपुरी वाला, कंजूस पानीपुरी वाला। इस तरीके से आपको भी देख लेने की आपकी वीडियो में जो कितने टैग्स आ सकते हैं अलग अलग टाइप के। और लास्ट में आपको दो टैग मैं अपनी तरफ से बताऊंगा जो कि आपको देने हैं। एक तो है हिंदी कार्टून स्टोरी, और एक जहाँ से भी आपने वीडियो उठाई है उस चैनल का नेम, वो भी आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। और इसके बाद में और कुछ नहीं इसमें बैक आ जाना है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ करने को। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑडियंस में आपको मेड फॉर किड्स नहीं रखना है। आपने सही सुना, आपको ये नहीं रखना है। तो मोर ऑप्शन में जाकर के आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। दो कैटेगरी मैं आपको बताऊँगा, एक जो है एंटरटेनमेंट और दूसरी है फिल्म एंड एनिमेशन, ये भी आप रख सकते हो। तो मैंने इसमें रख लिया एंटरटेनमेंट, और बैक आने के बाद में आपको इसको वीडियो को विजिबिलिटी में जाकर के पब्लिक कर देना है और फिर सेव कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर आपका जो है सभी काम खत्म होता है जीमेल आईडी के बनने से लेकर वीडियो पब्लिक करने तक का। और कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं, वो आप सुन लो। आने में रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप दूसरे का कंटेंट चुरा करके बनाओगे तब आपको एक चीज का सामना करना पड़ेगा जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक। इससे आपको बचना है। जब आपको एक या दो स्ट्राइक आ जाए चैनल पर, आपके चैनल पर, तब आपको ये चीजें करनी बंद कर देनी है। उसके बाद में जो आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना है, चाहे आप कैसे भी बनाओ, क्योंकि ऐसा जो मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है, उनके जो 1000 सब्सक्राइबर होने को कही कि जस्ट उनकी तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। उनको नहीं पता था कि पहले दो आ चुकी हैं, तो उन्होंने जो कंटिन्यू रखा अपनी वीडियो बनाना दूसरे की कॉपी करके। वैसे ही गलती आपको नहीं करनी है, आपको जो है वीडियो उस टाइप से बनानी है कि आपने देखी होगी लोग जो वॉइस ओवर करते रहते हैं और फोटो आते रहते हैं, यानी कि फोटो मूवमेंट वाली वीडियो बनानी है आपको। फोटो डाउनलोड करके वॉइस ओवर करनी है उसमें। अगर आप कहते हो तो इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। और बात रही कि जब आप वीडियो बनाओगे तो उस टाइप की फोटो वाली, तो आपको कहानी कहाँ से लेनी है? आजकल सबको पता है कि कहानी जो कहाँ से ले जाती है, ऑब्वियसली AI, तो वहाँ से आप अपनी कहानी ले सकते हो। और अगर किसी को ज़रूरत है उसको भी इसी टाइप की वीडियो बनानी है और चैनल वगैरह बनाना है, तो आप उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।